खूबसूरत लग रही है। अच्छा क्या खुशबू है। सब आपके लिए है। अच्छे भी क्या हुआ? कुछ नहीं। सुमन यार बहुत थक चुका हूँ, बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हारा भी ये रोज रोज का हो गया है, कितना थक जाते हो तुम। तुम्हें तो ऑफिस का काम करना पड़ता नहीं दिन भर, तुम्हें पता कितना वर्कलोड है ऑफिस का, पर घर पे आके भी वही काम करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। राजेश शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। तुम्हें पता है फैमिली वाले पूछने लगे हैं, उनसे क्या कहूँ, तुम रोज थक जाते हो। जो कहना है कहो, पर बच्चा भी जब होना होगा ना हो जाएगा। मुझे सोने दो अभी। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो ये आदमी मुझसे प्यार भी नहीं करता। हेलो। हाय जान, कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? अरे यार वो सुमन के सोने का वेट कर रहा था। ओह फिर से सुमन, कब तक उससे डरते रहोगे? अरे जब तक वो बीवी है तब तक डरना पड़ेगा, जब तुम बीवी बन जाओगी डर खत्म। आई मिस यू। क्या बात है, इतना प्यार। वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया यार। तुम तो रहने ही दो, बस ऐसे ही बोलते हो। अरे सच्ची। अच्छा सुनो ना, वीडियो कॉल करो ना, इतना टाइम हो गया है। पहले हम सिर्फ मैसेजेस में बात करते थे, बड़ी मुश्किल से तुमने नंबर दिया है अपना। प्लीज वीडियो कॉल करो ना यार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है क्या? अरे तुम्हारी आवाज ही तो है जो मुझे सुकून देती है। और मुझे भी, तुम भी सुकून देते हो। यू नो ना, आई लव यू। लव यू टू। वैसे बातें घुमाना कोई तुमसे सीखे नहीं। कहाँ गए? राजेश, राजेश उठो ना। सुबह हो गया। तुम यहाँ सोफे पर क्यों लेटे हो?
I mean, तुम तो अंदर सो रहे थे ना? अरे यार, actually अंदर गर्मी बहुत थी और अंदर का AC भी नहीं चला, तो मैं बाहर आके सो गया। Okay. चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अब तो सोने भी अलग लगे हैं, आखिर क्यों? किससे चैट चल रही है आपकी? कुछ नहीं, वो ऑफिस ग्रुप में दोस्त मैसेज कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना, बोलो। हम काफी दिन से बाहर नहीं गए, कहीं घूमने चलें क्या? फिलहाल नहीं, बाद में देखते हैं। वो बात कभी आएगा या नहीं? क्या सुमन, हर टाइम शिकायतें करती रहती हो, अब कोई चैन से खाना भी नहीं खाएगा इस घर में क्या? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? विक्की तुम कैसे हो? भाभी ठीक हूँ मैं, आओ अंदर। जी चलिए, आओ ना। राजेश घर पे नहीं दिखाई दे, ऑफिस गया क्या? हाँ, अरे आओ ना बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आजकल तुम बहुत दिन से दिख नहीं रहे, पड़ोसी हो लेकिन लगता है दूसरे शहर में जाके रह रहे हो। आजकल बहुत बिजी हो गए हो तुम। दूसरे शहर ही गया था, योगा का 15 दिन का कैंप था हरिद्वार में, बहुत मजा आया। और लीजिए ना, आपके लिए प्रसाद लाया। अरे वाह, कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा, बहुत मजा किया हमने, योगा के साथ साथ घूमना फिरना भी हो गया। मानना पड़ेगा ट्रैवलिंग के साथ तुम काफी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख लेते हो। मुझे देख लो, घर में ही रहती हूँ, मेरे पति को तो टाइम ही नहीं मिलता कि मुझे बाहर ले जाए। अरे भाभी, आप घर पर रहकर भी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं अगर आप चाहो तो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम मुझे योगा सिखाओगे ना? क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। कल से शुरू करें? हाँ। और वैसे भी आपके जैसी खूबसूरत लेडी को हर रोज योगा करनी चाहिए। कहाँ खूबसूरत यार, शादी के बाद सब बेकार हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार पता नहीं राजेश को क्या हो गया है, काफी दिनों से ना मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उसका कहीं ना कहीं चक्कर तो है बाहर। वैसे भाभी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो, मैंने भी उनको देखा था एक दो बार किसी लड़की के साथ। सच में? हाँ भाभी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने बस देखा था। आप परेशान मत होइए, हो सकता वो वहम हो। Thank you.
कैसा था आज का दिन? बहुत बिजी था यार, कल भी जल्दी जाना है। मैं सोच रही हूँ योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ। हाँ हाँ कर लो। अच्छा संडे को फ्री हो क्या? लंच पे चलते हैं, वो मेरी दोस्त है ना, कब से बोल रही है। अरे संडे नहीं, बॉस ने घर पे पूजा रखी है, मुझे वहाँ जाना है। वैसे भाभी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो, मैंने भी उनको देखा था एक दो बार किसी लड़की के साथ। सॉरी यार आज भी लेट हो गया। कोई नहीं, अब तो आदत हो गई है। आदत तो मुझे हो गई है तुम्हारी आवाज सुनने की। अच्छा एक साल हो गया हमें बात करते हुए, चेहरा कब दिखाओगी? फिर वही बात, मैं अच्छी नहीं दिखती इसीलिए नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार है मुझे। फिर चेहरा क्यों दिखना? अब इतना टाइम हो गया तो चेहरा दिखाने में क्या है? कुछ मिलने के लिए सरप्राइज तो रखो। वो भी ठीक है, ऐसे भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेहद खूबसूरत होगी। और ना हुई तो छोड़ दोगे? अरे नहीं पागल, कैसी बात कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, सुमन हरी बात कर दो बाद में। राजेश तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है ऑफिस का। सोने की कोशिश करो, आ जाएगी, चलो। अच्छा ठीक है, तुम? पानी लेने आई थी, प्यास लग रही थी। अच्छा चलो। ऐसे नहीं, थोड़ा आगे झुको, पैर उठाओ, थोड़ा सा और, लेग्स को ऊपर करो, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट सुमन, थोड़ा सा पीछे बैठो, धीरे से, परफेक्ट, बस ऐसे। हाँ परफेक्ट। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग राजेश, योगा क्लासेस तुम सिखा रहे हो? कल मैंने बताया तो था। योगा से ही होगा, तुम्हारा ही फैट कम। मुझे नहीं करना ये सब। और सुमन तुम नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस निकलना है। विकी आज के लिए इतना काफी है, कल इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। सुमन ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम योगा किसी और से सीखो। अच्छा मैं तुम्हें 10 चीजें करने को कहती हूँ, तुम मानते हो मेरी बात? नहीं ना, तो मैं किससे योगा सीखूं ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। बात योगा की नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मैं देख रहा था तो कैसे योगा के नाम पे तुम्हें छू रहा था। ओह गॉड, तुम भी ना यार, वो योगा टीचर है और योगा कराते हुए थोड़ा बहुत टच हो जाता है, ऐसा मत सोचो। Thank you.
हेलो सुमन। हाँ विकी। सुमन मैं ये जानना चाहता था कि कल सेम टाइम पर आना ना तुम्हारे घर। हाँ बाबा, बोला तो था, भूल गए क्या? अरे नहीं, दरअसल बात ये थी, मैं तुम्हें मिस कर रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे बात करूँ, इसलिए फोन करने का मन किया। फ्लर्ट कर रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ ऐसे ही समझ लो। अच्छा सुनो ना, तो तुम फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और उसके बाद हम रेस्टोरेंट में चलेंगे खाना खाने के लिए। ओ वाओ यार, मैं कितने दिन से बाहर नहीं गई, लेट्स गो। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं एक घंटे में रेडी होके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। हेलो, हाँ बस आ रही हूँ मैं। ओके सुमन, सुमन चाय बना दो यार। सुमन सुमन कहाँ चली गई यार, कहाँ चली गई ये बिना बताए? अरे हद हो गई, कहाँ चली गई यार, फोन भी नहीं लग रहा है। अभी घर खाली है, जब तक सुमन आती तब तक अपनी जाने मन के साथ बातें कर लेता हूँ आराम से। The number you are trying to call is currently not reachable. रे? The number you are trying to call is currently not reachable. क्या हो गया, इसका भी नंबर नहीं लग रहा है? वाह, आज तो मजा आ गया। कितने दिन बाद एंजॉय किया है मैंने। उफ, तुम्हारा डांस, बहुत अच्छा डांस करती हो। और तुम्हें पता है, तुम पीने के बाद और भी ज्यादा अच्छा डांस करती हो। You know, कॉलेज में ना मैं सुपर मॉडल हुआ करती थी। कॉलेज में मेरी खूबसूरती और मेरे डांस के ना लड़के दीवाने थे। सिर्फ कॉलेज में नहीं, तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने अभी भी। काफी अच्छा झूठ बोल लेते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। शायद तुमने देखा नहीं, जब हम क्लब में थे ना तो कितने सारे लड़के पागल हो गए थे तुम्हारे पीछे, वो बस तुम्हें ही देख रहे थे। ओ, मतलब तुम उन लोगों को देख रहे थे। मतलब तुम्हारी नजर उन पे थी, मुझ पे नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अगर ज्यादा देर तक तुम्हें देखता ना, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो किसने बोला कंट्रोल करने को? ये नो, तुम बहुत ज्यादा प्यार डिजर्व करती। चले चली गई ये बिना बताए। राजेश की 15 मिस कॉल।
रात के 1 बज रहे हैं सुमन, कहां से आ रही हो तुम? क्लब से आ रही हूं। किसके साथ गई थी? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? यार क्या बुराई है इन कपड़ों में? तुम्हें क्या हो गया है? तुमने शराब पी है? हाँ। किसके साथ गई थी? फ्रेंड्स यार। कौन फ्रेंड्स? है कोई। सुमन क्या कर रही हो ये? आधी रात को शराब पी के घर आ रही हो, ऊपर से ढंग से जवाब नहीं दे रही हो तुम। राजेश मैं बहुत थक गई, जाने दो यार, सोना है मुझे यार। तुम मेरी बात का जवाब दो, कहाँ गई थी तुम? पति हूँ मैं तुम्हारा, सवाल पूछने का हक है मेरा। अभी बड़ा हक याद आ रहा है? हाँ? आज बड़ी पति बन रहे हो तुम, और जब बिस्तर में प्यार करने की बारी आती है तो कहाँ जाता है ये पति? हाँ? सुनो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 5 साल हो गए, तुमने क्या किया मेरे लिए? घर में पड़ी रहती, ना कहीं घुमाने ले जाते, ना शॉपिंग के लिए ले जाते हो। हाँ? तुम अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, मैं क्या करूँ, घुट घुट के मर जाऊँ? सुनो मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, सोनो मैं थक गई हूँ। और ये जो इतनी रात में फोन आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ किसका फोन आ रहा है? हुँ? लाओ मुझे, मैं बात करती। कौन इतनी रात में कौन फोन कर रहा है तुम्हें? दोस्त है मेरा, ठीक है? अच्छा, इतनी रात में फोन कर रहा है तुम्हें? तो मतलब दिखाओ, मैं बात करती हूँ, दिखाओ। देखो ऐसा है, तुम नशे में हो अभी, जाके सो, कल दिन में बात करेंगे। अब तुम परफेक्ट योगा करने लगी हो। वैसे एक बात बताओ, कल कुछ हुआ तो नहीं? आई मीन राजेश ने तुम्हें कुछ कहा था? नहीं कहा था। क्या? बहुत कुछ कहा, लेकिन छोड़ो, मैं नहीं सुनने वाली उसको। सही है, तुम्हें सुनना भी नहीं चाहिए। तुम आज की नारी, तुम जबरदस्ती किसी की बातें नहीं सुन सकते, और तुम्हें उसे दिखाना होगा कि वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। ठीक है? सही कह रहे हो तुम, ज्यादा रोक टोक करेगा ना, डिवोर्स ही ले लूंगी। वैसे एक बात कहूं, तुम कुछ भी कर सकती हो, और अपनी इस ताकत को पहचान लो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मुझे पता है, तुम मेरे साथ ही हो हमेशा। तो अब तुम खुद पर ध्यान दो और अपने योगा की प्रैक्टिस करती रहो। ओके, और कुछ? सुनो, बहुत हो गया अब, मुझे मिलना है तुमसे, मैं नहीं रह सकता अब। अपनी बीबी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? सॉरी यार, इस सुमन ने ना दिमाग खराब कर रखा है। कल शराब पी कर आ गई, आजकल ना बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी है। खैर छोड़ो उसकी बात, देखो मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है अब, प्लीज मिल लो मुझसे। समझती हूँ, और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। कहाँ मिलना है बताओ? किसी होटल में मिले? नहीं, होटल सेफ नहीं है, तुम्हारे घर मिले? घर पे, लेकिन सुमन है ना घर पे। कुछ करो ना फिर, किसी बहाने से उसे घर से बाहर भेजो। चलो ठीक है, मैं ना सोच के बताता हूँ। ठीक है? हाँ ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे भी। बोलो। आज मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, मेरी शाम की ट्रेन है। अरे वाह, मैं तो कब से प्लान सोच रहा हूँ, और इसने खुद ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, चली जाओ। अच्छा तुम कुछ कह रहे थे ना? वो कल के लिए सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। कोई नहीं। सुमन कल अपने मायके जा रही है, तुम घर आ जाओ, मैं वेट करूंगा तुम्हारा।
हाय सुमन। हाय विकी। अच्छा सुनो ना, मुझे स्टेशन ड्रॉप करने चल सकते हो क्या? सॉरी यार, मैं जरूर चलता लेकिन अभी मेरी योगा क्लासेस हैं और मैं उनको कैंसिल नहीं कर सकता। ओके, कोई नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? आई मिस यू बेबी। आई मिस यू टू। बाय, टेक केयर। ओके, लव यू, बाय। समय बाद आज तुमसे मिलूंगा मोना। अरे लाइट कैसे चली गई? मोना, आशीष, फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ। हाँ राजेश, मुझे भी बेसब्री से इंतजार था इस पल का। चलो बैठो। देखो ना, तुम पहली बार घर आई हो और लाइट भी चली गई। मैं तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं राजेश, I love you. I love you too, Rajesh. मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ मोना। मैं भी तो चाहती हूँ तुम्हें देखना। एक मिनट रुको, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। इस टाइम कौन हो सकता है? एक काम करो, काम करो, तुम यहाँ से निकलना हो जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? मैं देख के आता हूँ। ओके, तुम यार कब से कॉल कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? यार वो फोन साइलेंट पे हो गया था। लेकिन तुम तो, वो मेरी ट्रेन छूट गई और मैं वापस आ गई हूँ। और ये लाइट क्यों ऑफ है? हा? तुम चलो, मैं देखता हूँ। सुमन 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 सुनो ना, लाइट नहीं आ रही, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं लाइट चेक करके आता हूँ। अरे लेकिन लाइट गई क्यों है? अरे तुम जे क्या पता, बैठो ना एक बार, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। हाँ हाँ, लो ये इससे देख के आओ। मैं देख के आता हूँ। जल्दी आना और प्लीज। हाँ हाँ, बस बस एक मिनट। मोना, आई एम रियली सॉरी यार, पता नहीं वो कहाँ से आ गई, हमारी पहली मुलाकात भी अधूरी रह गई। मैं तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाया। देखा तो मैंने भी नहीं तुम्हें। आज का क्या प्लान है? बस ये सुमन जा रही है अभी, बस उसके जाते ही मैसेज करता हूँ तुम्हें मैं। हाँ ठीक है, बाय। प्लीज मिल लो मुझसे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुमन ट्रेन में बैठ गई है, मोना कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? ये लाइट कल से बहुत जा रही है बार बार। राजेश, आज भी लाइट चली गई है ना?
ये सब क्या है? तुम मतलब? मतलब ये कि मैं मोना नहीं, विकी, जिससे तुम पिछले एक साल से बात कर रहे थे। मुझसे गेंद आ रही है, अभी तक तो मैं तुम्हारी जान थी, तो अब क्या हुआ? राजेश, तुम तो बड़ी बड़ी फेंकते थे, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते। तुमने मेरे साथ धोखा किया है राजेश। धोखा तो तुम अपनी बीवी को दे रहे थे, और तुम्हारी बीवी तुम है। मतलब? मतलब ये, खुद ही देख लो। विकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल विकी, मुझे लड़के और लड़कियां दोनों ही पसंद है, और तुम जानते हो तुम्हारी बीवी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार। कैसे बताऊं तुम्हें, मजा आ गया था। राजेश, मैं आदमी और औरत में कोई भेद नहीं करता। तुरंत निकल जाओ यहां से। ओफ राजेश, इतने नखरे तो तुम्हारी बीवी ने भी नहीं किए थे। उसने मुझे बहुत प्यार किया था, जी भर नाम मत ले उसका अपनी गंदी जबान से। अच्छा ठीक है, नहीं लूंगी उसका नाम, आई मीन नहीं लूंगा, पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं एक साल से तड़प रहा हूं तुम्हारे प्यार के लिए। बताओ ना, कहां चले? तुम्हारे बेडरूम में या फिर सोफे पर? कहां प्यार करोगे अपनी मोना को? तो अपनी ये घटिया बकवास अभी के अभी बंद कर और निकल जा यहां से, वरना बता रहा हूं ठीक नहीं होगा तेरे लिए। देखो राजेश, मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, मैं एक साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए राजेश, प्लीज मुझे अपना प्यार दो ना राजेश। तुम मुझे अपना क्यों नहीं सकते राजेश? कितने हॉट दिखते हो तुम। दूर हटो मुझसे। उस दिन तो अंधेरे में बड़ा चिपक रहे थे मुझसे, क्या हुआ अब मेरे बदन से तुम्हें बदबू आ रही है? हाँ बेबी, सर उससे ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हो तुम। अब विकी देखो राजेश, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे लिए तड़पता हूं। एक साल हो गया राजेश, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें एक लड़की से भी ज्यादा प्यार दूंगा, इतना प्यार तुम्हें कोई भी लड़की नहीं कर पाएगी राजेश, प्लीज। लगता तुम ऐसे नहीं मानो, जरा पहले अपनी वीडियो तो देख लो। You know, राजेश, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दो मर्द एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। राजेश तुम्हें पता है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे ऑफिस के ग्रुप में इस वीडियो को सेंड कर सकता हूं, और तुम्हारी हर जगह बदनामी होगी, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, कल शाम को मेरे घर आ जाना, वरना तुम समझ सकते हो ना ये वीडियो कहां कहां जा सकती है। तुम और तुम्हारी सुमन, समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। ये वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, तुम और सुमन मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, कल मुझसे मिलने आना।
विक्की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अब। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका केवल एक ही अंजाम है, तेरी मौत। हेलो जानेवन, विक्की, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार था। मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ, बताओ कहाँ है? आ जाओ मेरे घर, मुझे भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। ठीक है। अब आएगा मजा, आने तो राजेश, आज उसकी प्रॉपर फिल्म बनेगी। विकी, माफ कर दो सुमन। अरे हुआ क्या? राजेश क्या हुआ बताओगे तुम मुझे? क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्या हो गया बताओगे तुम? मिस्टर राजेश सिंह। जी सर। आपके पड़ोसी विक्की भाटिया का मर्डर हो चुका है। क्या? कब और कैसे? कल रात। लेकिन उनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आखिर कौन कर सकता है ये? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? हमारे घर की क्यों तलाशी लेनी है आपको? सीसीटीवी कैमरे में पता चला है कि आपके हस्बैंड राजेश विक्रम भाटिया का मर्डर होने से पहले उनके घर गए थे। सर ये सच है कि मैं उसके घर गया था कल रात, पर मैंने उसका खून नहीं किया। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, मैं तुरंत ही वापस आ गया था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिस्टर राजेश, कातिल कोई और ही। लेकिन कौन? मैं विक्की के घर गया था, वहां एक मोबाइल मिला जो डेट पड़ा हुआ था। चार्ज करने के बाद पता चला कि इसमें एक वीडियो बना है जिसमें कातिल का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। हाँ, हाँ मैं तोड़ना चाहता हूं तुम्हारा घर, क्योंकि मैं तुम्हारे पति से प्यार करता हूं, और हम दोनों के बीच कोई भी आएगा ना तो मैं सभी नहीं छोड़ूंगा। प्यार? प्यार करता है तो तुझे मरना भी पड़ेगा। सुमन जी, आप बताएंगे या हम बताएं? बोलो। हाँ मैंने मर्डर किया है। पहले दिन मेरी ट्रेन छूट गई थी, दूसरे दिन जब मैं फिर जाने की तैयारी कर रही थी तो मुझे बेड के नीचे चैन मिली। ये चैन किसकी है? मुझे लगा मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो मैंने मायके जाने का बहाना बनाया। लेकिन मैं मायके नहीं गई और चुपके से घर के अंदर आकर छुप गई। मुझसे घिन आ रही है, अभी तक तो मैं तुम्हारी जान थी, तो अब क्या हुआ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते?
तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे पति और मेरे साथ विक्की ने बहुत बड़ा धोखा किया, हम लोग की लाइफ बर्बाद कर दी उसने। इसलिए उसको मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने मायके जाने का प्लान बनाया किसी को शक ना हो, लेकिन मुझे क्या पता मेरे पति के साथ इमेज बनाने के लिए विक्की ने मोबाइल छिपा कर रखा था। तुम यहाँ क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे देख के? ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारा अपना ही घर। मुझे लगा शायद तुम मुझे मिस कर रहे हो। वैसे तुम मेरे दिल की बात कैसे समझ लेती हो, और इतने कम समय में तुम मुझे कैसे जानने लगी हो? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत लड़की बनने का शौक है ना तुझे, हुँ? मुझे सब पता चल गया तेरी असलियत। तुम मेरे साथ भी और मेरे पति के साथ भी? छी, तुम्हारा पति ये है और ये सब करने के लिए उसने ही मुझे कहा था। चुप कर ले, तेरा नाटक खत्म हुआ? तू मेरा घर तोड़ना चाहता है। हाँ, हाँ मैं तोड़ना चाहता हूँ तुम्हारा घर, क्योंकि मैं तुम्हारे पति से प्यार करता हूँ, और हम दोनों के बीच कोई भी आएगा ना तो मैं सभी नहीं छोड़ूंगा। प्यार? प्यार करता है तो तुझे मरना भी पड़ेगा। क्यों मतलब? हाँ, हाँ। जी, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए आप मर्डर नहीं कर सकती। I'm sorry, सुमन, मेरी वजह से तुम्हें। I love you. ले चलो। ले, अपना ख्याल रखना।